जो प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ने कहा था, वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको सीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम नो मनासी जानताम, के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। याद रखना, राष्ट्र धर्म के मार्ग में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का सामना परस्पर एकता से ही संभव हो पाएगा। परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए ही हो पाएगा। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस ऊर्जावान शक्ति के बल पर, छात्र शक्ति के बल पर, क्योंकि यही छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहता है कि युवा कल का नहीं आज का नागरिक है, और आज का नागरिक है तो उसको हम लोग आज के दिन पर ही उस राष्ट्र धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने देश के सामने देश की शताब्दी वर्ष के लिए जो टारगेट तय किया है, कैसा भारत चाहिए, वह विकसित भारत, विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ एक स्वावलंबी भारत, और उस स्वावलंबी आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा।